नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे प्राणायाम करेंगे जो कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आप जैसे देख रहे होंगे कि बरसात का मौसम है, बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए जो है हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सारी बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं, और जैसे कि वायरस हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, फ्लू आ रहे हैं, तो और भविष्य में आते रहेंगे, इसलिए हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इसके लिए आज हम करेंगे 5 प्राणायाम। तो वो 5 प्राणायाम हमें कौन कौन से करने हैं, इसके पहले आप हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है कपालभाति। कपालभाति ये एक क्रिया है, लेकिन इसको प्राणायाम में भी लोग शामिल करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए हम सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और सांस को हम बाहर छोड़ेंगे। जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। और जो लोग बिगनर्स हैं या बीपी के मरीज हैं, हार्निया के, हार्ट के मरीज हैं, वो लोग इस प्रक्रिया को जो है धीरे धीरे करें। जैसे कि धीरे धीरे हम सांस को बाहर छोड़ने पे फोकस करेंगे। वो लोग इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करें तो ये उन्हें लाभ पहुंचाएगा। अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए भी हम सीधे बैठ जाएंगे और हम सांस को भरेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया भी हमें धीरे धीरे करनी है। जिन्हें अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा सांस लेने में सांस के मरीज हैं, वो लोग इस प्रक्रिया को और भी धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल सांस को अंदर भरेंगे, गहरा सांस को अंदर भरेंगे और बाहर ज़्यादा छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम सांस को अंदर भरेंगे इस तरह। और जो लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं, वो लोग हाथों द्वारा भी कर सकते हैं। अपने हाथ को ऊपर ले जाना है और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, जब हम सांस भरेंगे। आप इस तरह भी इस आसन को, इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ये प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ये बहुत सारी बीमारियों में फायदा करता है। जैसे कि बरसात के मौसम में ये बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, इन सबों में फ़ायदा करता। कफ, वात, पित्त, दोष, तीनों त्रिदोषों को बैलेंस बना के रखता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम करते हैं, एक हाथ में विष्णु मुद्रा, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने हाथ को नोज पे रखते हुए पहले हम लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। यह मैं आपको दो बार करके बताया। आप इसे कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक कर सकेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो डेली रूटीन में आप इस प्राणायाम को शामिल करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम सांस को अंदर भरेंगे और साउंड द्वारा हम बाहर को छोड़ेंगे। जैसे भौरे की आवाज़ होती है, उस तरह हम साउंड करते हुए आवाज़ को बाहर छोड़ेंगे। सांस को अंदर गहरा भरा, Mm-hmm.
आप इस तरह करें, जब हम साउंड के द्वारा आवाज़ को बाहर छोड़ेंगे तो ये हमारे मन मस्तिष्क को शांत करेगा, रिलैक्स देगा, तनाव को दूर करेगा, डिप्रेशन स्ट्रेस को दूर करेगा। ये आसन, ये प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अब हम करते हैं ओम चैटिंग। ओम चैटिंग हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये हमारे एक एक रोम जो होते हैं उन पे और हमारे बाल पे, नेल पे, सब पे पूरी तरह से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ओम चैटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें तनाव से भी दूर रखती है। आइए हम करते हैं, दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा बना लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। अंदर गहरी सांस भरेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। जितना हम अंदर गहरा सांस भरेंगे उतना ही हम ओम का उच्चारण ज़्यादा लंबा कर पाएंगे। चैटिंग करिए, ओम का उच्चारण करिए। तो आप ये सारे प्राणायाम करते रहें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने शरीर को जो ये रोग बाहर हैं इनसे लड़ने की क्षमता अपने शरीर को बढ़ाएं और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।